जाने माने भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु का 68 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। बता दें, डॉक्टर बसु कोरोना पॉजिटिव थे। डॉक्टर बसु ने भारत में परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में काम किया। इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में सेवा करने से पहले उनके कार्यों में परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक के रूप में सेवा दी और बाद में पार्क में परमाणु रिसाइकल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2012 में पार्क के निदेशक का भी पद संभाला। उनके नेतृत्व में भारत की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत को विकसित करने वाला परमाणु रिएक्टर बनाया गया। एक किताब लॉन्च के दौरान डॉक्टर बसु ने बताया था कि रिएक्टर को बनाने में 5 दशक लगे और 5.5 लाख लोगों की भागीदारी। कौन थे डॉक्टर शेखर बसु? डॉक्टर शेखर बसु का जन्म 20 सितंबर 1952 को हुआ था। कोलकाता में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन संयंत्र और बाद में शुरुआती पेशेवर वर्षों में कल्पक्कम में भूमि आधारित प्रोटोटाइप के विकास का नेतृत्व किया। डॉक्टर बसु भारत में मेगा विज्ञान परियोजनाओं के चैंपियन भी थे। DIE अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लीगो इंडिया और CERN में भारत की भागीदारी समझौतों पर बातचीत की। लीगो इंडिया भारत में निर्मित लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। 2016 में यहाँ डॉक्टर बसु थे, जिन्होंने इन दोनों वैश्विक मेगा विज्ञान परियोजनाओं में भारत की भागीदारी के समझौते के लिए हस्ताक्षर भी किया। डॉक्टर बसु तमिलनाडु में इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के विकास का नेतृत्व कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिक में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ जीवन में डॉक्टर बसु को कई पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें भारतीय परमाणु सोसाइटी पुरस्कार 2002, 2006 और 2007 में DIE पुरस्कार शामिल हैं। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बसु के निधन पर TV9 भारतवर्ष की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप उनके उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी